तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 74, संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के संबंध में प्रावधान किया गया। भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की जाती है? तो वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत घोषित की जाती है। भारत में टोटल 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। पहला अनुच्छेद 352 के तहत लाई जाती है, इसे बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, इसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। फिर 365 के तहत 356 के तहत लगाई जाती है, राज्य में शासन व्यवस्था के असफल होने पर, तो इसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो इसमें सामान्य रूप से जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाकर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती करके देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने का अधिकार है, उस स्थिति में जब साधारण विधेयक के मुद्दे पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है या करती है। संयुक्त बैठक में विधेयक पर साधारण बहुमत से फैसला लिया जाता है। जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान स्थापित करता है, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी की व्यवस्था करता है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत संविधानों का स्वर्ग कहा जाता है। ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है, यानी अलायर्स पैराडाइज, अपनी पुस्तक द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सभी ऑप्शन गलत है। फिर भारतीय संविधान के उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद और समष्टिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है? बंधुता या बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो संविधान सभा के विधायी के स्पीकर कौन थे? गणेश बसदेव मावलंकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णाचार्य। संविधान सभा के सचिव HB अयंगर। संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिम्ह राव। निम्नांकित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं? तो संसदीय सर्वोच्चता शामिल नहीं। संसदीय सर्वोच्चता संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है। यह अनुच्छेद वित्त के समक्ष समानता के संबंध में प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय और युक्तियुक्त वर्गीकरण शामिल है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सकारात्मक, इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(4) में मिलता है। संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार के रूप में। दोनों कथन सही है। और अभी इसे अनुच्छेद 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया, वे मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में आया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण ही राज्य की संवैधानिक बाध्यता। किस बात के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता है? तो ये मिनर्वा बिल मामले में किया था 1980 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो केशवानंद भारती बाद ये संविधान के सर्वोच्चता से रिलेटेड था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा नेहरू बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से रिलेटेड था। रघुनाथ राव बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता से रिलेटेड था। और एसआर मुंबई बाद संघवाद से रिलेटेड था। संवैधानिक संशोधनों के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। पहला, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही। यह ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है, नहीं। यह संसद की संविधायी शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। सही, संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं है, ये गलत। क्या होगा इसमें? ए होगा, यानी एक और तीन। राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। तो राज्य सूची के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। कहता भी है कि
राज्य सूची के ऐसे कुछ विषय जिनका महत्व राष्ट्रीय स्तर का हो, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार विशेष प्रावधानों के साथ संसद को प्राप्त हो जाता है। इसका कथनों पर विचार करना है, संविधान के भाग 9 का शीर्षक पंचायत है, सही। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय छत पर लागू नहीं होगा, दोनों कथन सही है। और ज्ञातव्य है कि भाग 10 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान करता है। तो निम्नलिखित सही कथनों को पहचानना है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के तीसरे अनुसूची में लिखित है, गलत है। जैसे अनुच्छेद मतलब ये आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। हाँ, जारी रहेगी। संविधान में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है। हाँ, ये भी सही। निर्वाचनकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाएगा, ये गलत है। तो बी सही होगा, 2 और 3 सही होंगे। और संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया, और महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया हुआ। फिर सुलामी लोकसभा में मनोनीत दो, ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर का था, और अब इसका कोई औचित्य रह नहीं गया है क्योंकि संविधान के जो संशोधन 104वां हुआ था उसमें लोकसभा में मनोनीत होने वाले दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय का के आदि सामान्य मूल क्षेत्र अधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो राज्य और संघ के बीच, राज्य या संघ के बीच संबंध, राज्यों या एक या एक से अधिक राज्यों या संघ के बीच, फिर राज्यों राज्यों के बीच यानी स्टेट और स्टेट के बीच, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, बाकी सभी कुछ नहीं। फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 32 के तहत है वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई, तो ओरिजिनल नहीं। तो हालांकि इस ऑप्शन ही गलत है, तो उसको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, कब हुआ था? 1979। और ये न्यायपालिका की या सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। कथन, मुंबई वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा, सही। यह संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे, दोनों कथन सही है। और ए आर की व्याख्या करता, सॉरी आर ए की सही व्याख्या करता। निम्नलिखित में से यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन? स्मरगेंद्रताऊ है, और उनकी प्रसिद्ध रचना क्या नाम है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है? तो मार्टिन सोविक सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवादी, ये गलत है। कार्ल डच कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है, सही है। थॉमस मार्गेंथाउ रियलिस्ट अप्रोच से रिलेटेड है, ये भी सही है। थॉमस सेलिंग गेम थ्योरी से रिलेटेड है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व तो नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीयविद है, राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है? तो विश्व जनमत नहीं है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्र संघ की संविधान में उत्पन्न हुई थी, तो राष्ट्र संघ की संविधान में सर्वप्रथम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा प्रकट हुई थी। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, अर्थात किसी एक पर आक्रमण होता है तो अन्य राज्य मिलकर उसका सामना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं? सार्क का सदस्य दोस्तों मॉरिशस नहीं, बाकी इसके 8 सदस्य हैं, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की, और ये दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं? तो अपने सदस्यों की सुरक्षा सुरक्षित करना इसका उद्देश्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि सार्क का गठन आर्थिक हितों की पूर्ति के संबंध में किया गया था, जो 10 देशों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे का निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो नाकाबंदी नहीं, नाकाबंदी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी समुदाय की स्थापना करना है, और उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? मार्क्सवादी उपागम का राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। शक्ति के इस खेल का आधार हित है, निम्नलिखित में से कथन मार्गेंथाउ का, मार्गेंथाउ और वे रियलिस्ट अप्रोच से रिलेटेड थिंकर है, और
इन्होंने ही राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है, यह कथन किसका है? यह कथन कैप्लान का, तो मेटल कैप्लान का है। कैप्लान कैप्लान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड है ये, और कर्तव्य है कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम अप्रोच राजनीति विज्ञान में डेविडसन ने दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग मार्टिन कैप्लान ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है? तो अनुच्छेद 2(1) में। तो 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण किया गया। 25 जून 1945 को चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया था। चार्टर में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद अनुच्छेद 2(1) में प्रावधान है कि संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है उदार अंतर्राष्ट्रवाद का। तो उदार अंतर्राष्ट्रवाद वैश्वीकरण का ही एक अलग रूप है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लचीला बनाना चाहता है। नव यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथनों को पहचानिए। उसका जो त्रुटिपूर्ण कथन है वो स्थिरता के लिए बहुध्रुवता पर बल दिए, बाई मल्टीपोलारिटी पर नहीं बल्कि बाईपोलारिटी पर बल देते हैं। तो स्थिरता के लिए बहुध्रुवता पर जो नव यथार्थवादी के संबंध में सही नहीं है, ये सन कथन सही है। नव यथार्थवाद का जो प्रतिपादक था कौन था? केनेथ वाल्ट को माना जाता है। वाल्ट ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वालरस्टीन का विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने इसके स्थान पर एक आयाम है परिधि अर्ध परिधि और मूल राज्य यानी पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी और कोर स्टेट। इसके लौकिक तो स्पेशियल डायमेंशन पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी और कोर है और टेम्पोरल डायमेंशन चक्रीय ताल साइक्लिक रिदम सेकुलर प्रवृत्तियां सेकुलर ट्रेंड्स और रणनीति एवं अपूर्ण गणना नहीं बल्कि क्राइसिस क्राइसिस। तो ये गलत है, केवल एक सही होगा। द एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक की लेखिका रोजा लग्जमबर्ग हैं। 1913 में ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ज्ञातव्य है कि रोजा लग्जमबर्ग क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारक हैं। इसने लेनिन की लोकतंत्र विरोधी नीति के संबंध में आपत्ति उठाते हुए कहा था कि क्या कहा था कि इससे विशाल जन समुदाय का अधिनायकवाद नहीं विशाल जन समुदाय पर अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। लेनिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? विश्व साम्राज्यवादी राष्ट्रों का संघ। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के सारंभ के साथ रोजा तक जम्बाग को एसोसिएट किया जाता है। केंद्र परिधि सिद्धांत यानी कोर और पेरिफेरी का सिद्धांत राहुल प्रेविस ने दिया। अल्प विकास का सिद्धांत एजी फ्रैंक ने दिया था और नव ग्रामसीवाद ये रॉबर्ट कॉक से रिलेटेड। फलनवाद यानी फंक्शनलिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, या संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा सही है। गैर राज्यकर्ताओं के बीच वृद्ध संयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे, तो ये भी सही, दोनों कथन सही है। फिर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो व्यक्तित्व कारक अध्ययन ये अलेक्जेंडर एवं जूलियट चार्ज से रिलेटेड है। परिवेश अध्ययन हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट से रिलेटेड है। कर्ता अध्ययन बर्नार्ड कोहेन से, प्रक्रिया अध्ययन जॉन बर्टन से। कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है, गलत है। चिकन खेल धमकियों और वादों का खेल है, ये भी गलत है, तो दोनों कथन असत्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत खेल सिद्धांत के अंतर्गत उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। खेल सिद्धांत में कैदी को अन्य सामाजिक परिवेश से दूर रखा जाता है। खेल सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक खेल की भांति है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। कॉल्डोस द्वारा वर्णित चार तत्वों को पहचानिए जो प्रतिसंभरण प्रक्रिया की कुशलता का मापन करते हैं। तो इसमें ए होगा भार, अविलंब लाभ और अग्रता। बैकेरल और बैरेट द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्गों में शामिल नहीं है अनुरक्षण संबंध। संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
न्यास परिषद और सचिवालय। प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानिए। तो इसे 1987 में G7 देशों ने बनाया था। सही, यह संधि, यह एक संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक सामाजिक भी सही। भारत इस अभी शासन का सदस्य नहीं है, भारत बन गया है। इसका सदस्य 2016 में ही भारत बना था और इसीलिए करंट अफेयर का काइंड ऑफ क्वेश्चन था। यह उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों की बाहक प्रणालियों में योगदान कर सकती है। 2016 में भारत 35वां सदस्य बना था इसका। आतंकवादी संगठन और उनकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। तो हिजबुल्ला फिलिस्तीन से नहीं बल्कि ईरान और सीरिया का एक ईरान और सीरिया समर्थित एक लेबनानी आतंकवादी संगठन है जो 1982 के लेबनानी गृहयुद्ध के बाद उभर कर सामने आया। इस संगठन को इजराइल और सुन्नी अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। तो चेक को सूची 2 से मिलाना है। तो जो विभेदीकृत नागरिकता या डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मेरियन यंग ने देती है। मेरियन यंग ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर। फिर उदारवाद के सद्गुणों के साथ विविध सांस्कृतिक पहचानों का समायोजन भीगो पारे। समुदाय का समुदाय आधारित पहचान की मान्यता चार्ल्स टेलर और समूह विभेदीकृत अधिकार बिल किमली। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखित नहीं? तो हु आर वी नहीं, बाकी ट्रस्ट 1995, द ग्रेट डिसरप्शन 1999, ओरिजिन ऑफ पोलिटिकल ऑर्डर, ओरिजिन ऑफ पोलिटिकल ऑर्डर 2001, ये सभी लिखी हुई हैं। हु आर वी 2004 में सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा लिखी गई पुस्तक। क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने यानी स्पिल ओवर इफेक्ट पर बात करता है? स्पिल ओवर इफेक्ट न फलनवाद यानी नियो नियो फंक्शनलिज्म ऐसी बात करता है, स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करता है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान भी इनके पास सहयोग करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई नहीं है, मतलब रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बने ये दोनों दोस्त ट्रेड के ऊपर सहमत हो जाएं कि हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं। चलिए ट्रेड शुरू करें, धीरे धीरे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि ट्रेड के ऊपर जो कॉपरेशन है उसको देखते हुए इन दोनों देशों का एहसास होगा कि अगर ट्रेड पर इतनी सारी सफलताएँ अर्जित की जा सकती हैं तो चलिए कुछ ऐसे मुद्दों को भी सुलझा लिया जाए जो महत्वपूर्ण, जो दोनों देशों के बीच एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। तो जब नॉन कंट्रोवर्शियल मुद्दे के साथ आप सहयोग करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके माध्यम से आप कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर भी एक आम सहमति बनाए लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कॉपरेशन का जो स्वाद है, कॉपरेशन का जो लाभ का स्वाद है उसको आपने चख लिया, तो आपको लगता है कॉपरेशन तो अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। तो आप अब अपने धीरे धीरे मतभेद को खत्म करके आप सीधे सेंसिटिव मुद्दों पर भी ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है स्पिल ओवर इफेक्ट कथन यानी असरसन। तो राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व रक्षण है। फिर तर्क है कि अपनी भौतिक राजनीति एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों की न्यूनतम आवश्यकता है। तो इसमें ए सही होगा, ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों, ये अपना 2016 का IPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, वो तो पेपर डिस्कशन पूरा हो चुका है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तो आपको इसकी अच्छी लग रही दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए। इस तरह से आने वाले समय में सभी एग्जाम्स के SPSC RPSC का तो हो ही रहा, MPPSC बहुत सारे एग्जामों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही जो UGC नेट की सीरीज है PYQ की वो चलती ही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, सबसे पहले गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।